हेलो गाइस, मैं उज्जवल और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि एक फोल्डर कैसे बनाते हैं जावा प्रोग्राम के लिए यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले स्टार्ट बटन दबा के CMD लिख के एंटर कीजिए, जिससे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। इसके अंदर आपको लिखना है, जैसे कि ये कुछ पाथ डिफाइंड रहता है, मतलब ऑलरेडी सेट रहता है यहाँ पे, इसको CD और बैक स्लैश करके एंटर करना है। ये पाथ से हम एग्जिट हो गए। फिर हम लोगों को क्या करना है कि न्यू फोल्डर बनाने के लिए MD होता है, इसमें फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, MD देना है, और एक LEW न्यू FOLDER। तो देखिए, सी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा। ये हो चुका है। अगर हम देखना चाहें तो CD करके, मतलब तो इसके अंदर अगर अंदर में जाना चाहे तो देखिए, ये अब हम लोग इसके अंदर है। और अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहे तो देखिए, एक बन चुका होगा सी ड्राइव के अंदर, ये न्यू फोल्डर बन चुका है, ये अभी खाली है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावा में, और जिसको कि हम सेव करेंगे इसी फोल्डर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।